A very good morning to all of you. I welcome you to this session of Basic Thermodynamics. In the last session, we have started the unit or the topic properties of a pure substance, and we studied about what is a pure substance, different phases of a pure substance. Okay, we talked about solid, liquid, and gases. Today, we are going to discuss about. phase change process of a pure substance or phase change of a pure substance. ये किस तरीके से phase change हो सकता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. So now, इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं. Compressed liquid, saturated vapor, superheated vapor, saturation temperature and pressure, latent heat, sensible heat. ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं. आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये काफ़ी काम आता है. वैसे ये बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाए जाते हैं, तो आप लोगों के करिकुलम में बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग था नहीं, सो वी हैव टू डील विद इट हेयर. लेट्स सी ये सारी चीज़ें हैं क्या. सो फर्स्ट विल कंसीडर अ कंटेनर इन विच देयर इज अ लिक्विड है. किसी कंटेनर में एक लिक्विड है. आपने क्या किया, इस लिक्विड को जैसे ही आपने हीट करना स्टार्ट किया पानी गर्म करते हैं. जैसे पानी, मान लो ये पानी है, पानी गर्म करना शुरू कर दिया. ओहो, गर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कुछ हीटिंग तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी. तो इसको स्टोव मान लो आप, ये स्टोव है और ये फ्लेम है. कहोगे फ्लेम तो रेड कलर की होनी चाहिए, तो रेड की बना देते हैं लो, थोड़ी रेड ऑरेंज जो भी कहना चाहो. ठीक है, सो ये फ्लेम है हमारे पास, ये फ्लेम है. अब क्या हो रहा है, सिंपली क्यू इज वी आर गिविंग हीट टू दिस सिस्टम. सो हीट ट्रांसफर हो रहा है. अब क्या होगा, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा. अगर आप इस पर हाथ लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है. ठीक है, यानी आप क्या कर पा रहे हैं, इस टेम्परेचर इंक्रीज को सेंस कर पा रहे हैं. इसीलिए इसको सेंसिबल हीट बोला जाता है. इसके बारे में हम बात करेंगे, सेंसिबल हीट होती क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे. प्लीज इग्नोर द वॉइस, पीछे जो साउंड आ रहे हैं उनको इग्नोर करें. सो द हीट ट्रांसफर जैसे आप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. टेम्परेचर इंक्रीज होते 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 एक टाइम आपने देखा होगा ऐसा आता है जिसके बाद आपके जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होते हैं. आफ्टर सम टाइम these liquid molecule will start converting into vapors, और उसके बाद पूरा लिक्विड धीरे धीरे, पूरा जो लिक्विड है, the whole liquid gets converted into vapor. So this bubble is vapor, these bubbles are vapor and this is liquid, again this is vapor. But ये phenomena आपको जितना ये आसानी से यहाँ पर लग रहा है, आसानी से आपको बता दिया है, ये इतना आसान नहीं है. इसमें बहुत सारी चीज़ें अब आपके सामने मैं रखूँगा. Compressed liquid क्या होता है, saturated liquid क्या होता है, saturated vapor क्या होता है, superheated vapor क्या होता है, saturation temperature और pressure क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है. Sensible heat और latent heat क्या होता है, सो लेट सी वट happens. थोड़ा और डिटेल में अगर हम इसके जाएं तो ये देखा जाएगा, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चल जाएगा. सो हम इसको कोशिश करेंगे एक और बार में आप लोगों को इसे समझाता हूँ. दोबारा से हमने क्या किया, थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए हमने क्या किया, वी कंसिडर्ड अगेन यहाँ पर लिक्विड रखा है हमने, इसको हीट करना स्टार्ट किया. तो क्या होगा, ये आप लोगों ने केमिस्ट्री या फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जैसे आप इसे हीट देते हो तो क्या होता है, एक टाइम के बाद हीटिंग होते होते एक टाइम ऐसा आता है जब ये लिक्विड एक ऐसी स्टेट में पहुँच जाता है, जैसी अगर आप इसे हीट दोगे तो जो लिक्विड का टेम्परेचर है ना, पहले ये लिक्विड का टेम्परेचर
मान लेते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, अभी पहले 20 डिग्री से कितना जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, ये आप लोगों को मालूम होगा। हम ये वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, ठीक है। वन एटमॉस्फेरिक पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है, तो 20 डिग्री से पहले ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, जो आपका लिक्विड है इसके बाद ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, बट जो वेपर का टेम्परेचर होगा, जो वेपर का टेम्परेचर, लिक्विड से ही वेपर बनेगा, लिक्विड टू वेपर बनेगा वेपर, लेकिन जो वेपर का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब ये जो वेपर बन रहे हैं, ये जो वेपर बन रहे हैं, ये इनका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन दिस लिक्विड हैज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू वेपर, दिस लिक्विड हैज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू वेपर, यहाँ से आप ऐसे हीट दे रहे हो, दिस लिक्विड हैज कन्वर्टेड कम्प्लीटली इनटू वेपर, द टेम्परेचर ऑफ दिस वेपर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही है इन वेपर्स का टेम्परेचर, बट अब अगर आप इसके बाद इसे और हीट दोगे, अगर आप इसे और हीट दोगे, इसे और हीट दोगे तो क्या होगा, इसके बाद इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, 100 डिग्री से ऊपर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देखा जो लिक्विड से पहले, जब लिक्विड से वेपर बनना स्टार्ट हुआ, हमारा लिक्विड से वेपर बनना स्टार्ट हुआ, तो उस समय टेम्परेचर रहा कांस्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। उसके बाद जब पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ, तब इसका टेम्परेचर चेंज होना स्टार्ट हुआ, यानी जो हीट आप दे रहे थे हुआ क्या। अब हम इसको एक ग्राफ की मदद से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ आएगा। हम क्या कर रहे हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, देखो एक ग्राफ बनाते हैं, और इस ग्राफ में देखेंगे हम बहुत अच्छे से, ये टेम्परेचर है, हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, तो हमने एक टेम्परेचर ले लिया और दूसरा हमने एज्यूम किया वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम हमने एज्यूम कर लिया, इन दोनों प्रॉपर्टीज के बीच में हम एक ग्राफ बना रहे हैं, क्योंकि हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम इसलिए लिया, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ठीक है, प्रेशर तो कांस्टेंट है, इसलिए हमने प्रेशर को नहीं लिया, यहाँ पर प्रेशर को नहीं लिया, अगर आप प्रेशर को लेंगे तो एक पॉइंट आएगा, तो उसके बारे में वो चीज़ हम नहीं देखने वाले, सो प्रेशर पॉइंट नहीं आएगा, हम टेम्परेचर और वॉल्यूम को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यहाँ पर वो चीज़ हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम अभी ये एज्यूम कर रहे हैं हमारा जो लिक्विड है यानी वाटर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मैं यहाँ पे आपको मेंशन भी कर देता हूँ, ये है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसके बाद आपने क्या किया, हीटिंग करना शुरू किया, और देखा आपने, जैसे आप इसे हीटअप कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ता है ना हीट, जब आप हीटअप करते हो तो टेम्परेचर बढ़ा इसका। अब इसके बाद क्या हुआ, ये हीट तो हुआ, जैसे आप हीट कर रहे हो टेम्परेचर के साथ साथ इसका क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब किसी चीज़ को आप हीट देते हो तो उसका वॉल्यूम तो बढ़ता ही है, प्लास्टिक पे अगर आपने कभी गर्म किया हो तो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो लिक्विड के साथ भी ऐसा ही होता है, ठीक है। जैसे आपने इसे हीट अप करना शुरू किया, इसका टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम भी बढ़ना शुरू हुआ, उसके बाद इसका टेम्परेचर जो है हीट अप करते करते बेटा पहुंच गया, ये कहां तक पहुंच गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उत्तरी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया ये। अब क्या होगा, अब जैसे ही आप इसे हीट दोगे, मैंने आपको क्या कहा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो हम ग्राफ बना रहे हैं वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बना रहे हैं, ठीक है, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बना रहे हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, आपका जो लिक्विड है, अब जैसे ही ये लिक्विड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो क्या होगा, अब ये जो लिक्विड है ना, जो वाटर है वो लिक्विड नहीं रह सकता, अब यहाँ पर इसे वेपर में कन्वर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद जो इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है ना, इंटरमोलिकुलर जो बॉन्ड है वो टूटने शुरू हो जाएंगे, जब ये टूटने शुरू होंगे तो ये इधर से इधर चले जाएंगे, तो मैंने आप लोगों को बताया था, जब लिक्विड से वेपर जब बनता है तो उन दोनों के बीच में जो इंटरमोलिकुलर गैप है वो बढ़ जाता है, इंटरमोलिकुलर जो गैप है वो किस लिए बढ़ता है, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है उसके टूटने से ही बढ़ता है, ठीक है।
तो ये कन्वर्जन लिक्विड से वेपर में तभी हो सकता है जब ये बॉन्ड टूटने स्टार्ट हो। तो आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैसे ही आए और उसके बाद आपने और हीटअप करना स्टार्ट किया तो ये बॉन्ड टूटने शुरू हो गए, ये बॉन्ड टूटने शुरू हो गए। और जब ये बॉन्ड टूटने शुरू हुए तो आपने ये देखा, आपका जो टेम्परेचर है ये ऑब्जर्व किया, जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन था। पर जैसे ही ये लिक्विड से वेपर में बन रहे तो आपको यहाँ पर जाहिर से दिख रहा है इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा, वॉल्यूम तो बढ़ता ही रहेगा। तो जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है बेटा, देखो ऐसे इस तरीके से ये बढ़ रहा है। अभी वॉल्यूम तब तक बढ़ेगा जितना, जब तक आप हीट करते रहोगे वॉल्यूम बढ़ता रहेगा। बट हमें क्या करना है, वॉल्यूम तो हमेशा बढ़ता रहेगा, हमें देखना है टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है। अब हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है कि जैसे ही आप इसे हीट अप कर रहे हैं, मतलब हीट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जैसे ही आप इसे हीट दे रहे हैं, मतलब ये लिक्विड टू वेपर जब कन्वर्ट हो रहा है, जितनी आप हीट दे रहे हो, जो हीट आप दे रहे हो वो कहाँ चले जा रही है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए। जितनी जो आप हीट दे रहे हो वो लिक्विड से वेपर बनाने में यूज हो जा रही है, यानी जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड बॉन्ड ब्रेक करने में ये काम आ रहा है। यानी जितनी भी आप एनर्जी दे रहे हो वो बॉन्ड ब्रेक करने में चली जा रही है, सारी एनर्जी बॉन्ड ब्रेक करने में चले गई तो टेम्परेचर तो इंक्रीज हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने क्या कहा, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी है, और Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी के बराबर होता है। तो जब सारी एनर्जी बॉन्ड ब्रेक करने में जा रही है, जब सारी एनर्जी बॉन्ड ब्रेक करने में जा रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज कभी नहीं होगा। जो हीट ट्रांसफर है ये टेम्परेचर इंक्रीज कर ही नहीं रही है, क्योंकि सारी एनर्जी बॉन्ड ब्रेक करने में जा रही है। उसके बारे में भी आपको बताऊंगा उसे क्या बोलते हैं। तो सारी एनर्जी बॉन्ड ब्रेक करने में चली गई, सारी एनर्जी बॉन्ड ब्रेक करने में चली गई, यानी इस समय हो क्या रहा है, जो आपका लिक्विड है, जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। यानी लिक्विड हमारे पास एक फेज है, वेपर दूसरा फेज है, यानी ये क्या हो रहा है, लिक्विड से वेपर में जा रहा है, एक फेज से दूसरे फेज में जा रहा है, यानी फेज चेंज हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है फेज चेंज, बॉन्ड ब्रेक बोलो चाहे इसको बोला, फेज चेंज। तो याद रखो, जब भी फेज चेंज होता है, जब भी फेज चेंज होता है, लिक्विड से वेपर हो चाहे वेपर से लिक्विड हो, द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब धीरे धीरे जब आपने इसे हीट ऐड करते गए, आफ्टर सम टाइम द होल लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर एंड द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट मेंटेन्ड है, ये मैंने आपको पहले बताया। अब जब पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो चुका है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको दिख गया पूरा लिक्विड अब कन्वर्ट हो चुका है, सारे बॉन्ड टूट चुके हैं और द लिक्विड हैज कंप्लीटली चेंज्ड इट्स फेज टू गैस और वेपर। इसके बाद जब आप और हीट करोगे तो क्या होगा, जो वेपर है उनका बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और वो इंक्रीज करता जाएगा, ओके, और ये वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। तो हमने यहां पर देखा तीन चीजें हो रही हैं। यहां पर आपको टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिला, इसके बाद यहां पर आपको क्या देखने को मिला, एक चीज मिली, फेज चेंज देखने को मिली, और इसके बाद यहां पर भी आपको टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिला, ठीक है, अब टेम्परेचर इंक्रीज तभी हो सकता है जब आप हीट ट्रांसफर करो। तो ये जो जोन है 20 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक का, यहां पर आप जब आपका पानी गर्म हो रहा है उस पर अगर आप हाथ लगाओगे तो आपको ये फील हो जाएगा कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, यानी आप उसको सेंस कर पा रहे हो कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। हेंस इस जोन में जो हीटिंग होती है इसको सेंसिबल हीटिंग बोलते हैं, सेंसिबल हीटिंग। यहां पर क्या हो रहा है, सेंसिबल, आप सेंस कर सकते हो, इसीलिए इस जोन को बोला जाता है सेंसिबल हीटिंग, ठीक है। तो यानी जो इस समय हीट ट्रांसफर हुआ है ना बेटा, क्यू सेंसिबल, ये है एम सी डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या होगा, 100 माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये क्यू सेंसिबल है, इतनी जोन में आपने सेंसिबल हीटिंग की। बट इसके बाद जैसे ही आपने यहां 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचे तो ये लिक्विड क्या है, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, जो आप हीट दे रहे थे वो अब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रही, वो क्या कर रही है, फेज चेंज कर रही है। जो हीट दे रहे थे आप, Q supplied is used for phase change. तो किसी सब्सटेंस का अगर आपको फेज चेंज करना है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ती है। सो जितनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ती है उस अमाउंट को हम बोलते हैं
जो जो हीट आप फेज चेंज करने के लिए देते हो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, या फिर जो हीट जैसे 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 जो हीट या जितनी हीट आपको टेम्परेचर चेंज के लिए देनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। जितनी हीट आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज लाने के लिए देनी पड़ती है उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक हीट, ठीक है, स्पेसिफिक हीट हम बोलते हैं। इसी तरीके से फेज चेंज करने के लिए जो हीट देनी पड़ती है, फेज चेंज करने के लिए जो हीट देनी पड़ती है उसको बोलते हैं बेटा लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं लिख देता हूँ बेटा, ये हो रहा है लेटेंट हीटिंग, ठीक है, ये हो रहा है लेटेंट हीटिंग। लेटेंट हीटिंग का मतलब, लेटेंट का मतलब होता है चेंज ऑफ फेस। अगर आप इसकी डिक्शनरी में मीनिंग भी देखेंगे तो ये यही बताता है, इसका रिप्रेजेंटेशन यही है, द फेज इज चेंजिंग, फेज चेंज हो रहा है, लेटेंट का मतलब यही है, एक एक चीज से दूसरी चीज बन जाने को लेटेंट बोला जाता है। तो लेटेंट हीट यानी फेज चेंज, फेज चेंज करने के लिए जो हीट चाहिए उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। नाउ और इसकी यूनिट होती है, लेटेंट हीट की यूनिट होती है जूल पर केजी, ठीक है, मतलब पर यूनिट मास का फेज चेंज करने के लिए आपको कितनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ रही है। नाउ आफ्टर दैट अगेन द टेम्परेचर हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग इफ व्हेन यू आर गिविंग हीट। तो अब देखो ये पूरा वेपर बन चुका है, अगर आप वेपर में हाथ लगाओगे तो हाथ जलने को हो जाता है हमारा। तो इस जोन को हम बोलते हैं, मतलब उसका टेम्परेचर बहुत हमारे सेंसेस से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, वो हमारे हमको बर्न करना स्टार्ट कर देती है। तो इस पर्टिकुलर केस को, ये जो जोन है जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है इसको हम बोलते हैं सुपर सुपर हीटेड जोन, या फिर इसको हम सुपर हीटेड जोन नहीं बोलेंगे, ये जो हीट आप दे रहे हो इसको हम बोलते हैं सुपर हीटिंग, ठीक है, सुपर हीटिंग। ये सेंसिबल हीटिंग हो गई, ये लेटेंट हीटिंग हो गई, और जब जब वेपर बन गया और वेपर को आप हीट कर रहे हो तो इसको बोलते हैं सुपर हीटिंग, ठीक है, सुपर हीटिंग इसको बोला जाता है। इसको याद रखना आप लोग, सुपर हीटिंग में भी टेम्परेचर चेंज होगा, सेंसिबल हीटिंग में भी टेम्परेचर होगा, बट इन लेटेंट हीटिंग द टेम्परेचर विल रिमेन कॉन्स्टेंट, ओके। और फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो सी लिक्विड का आएगा, जब आप यहाँ पर टेम्परेचर चेंज की बात करोगे तो क्यू इज इक्वल टू एम सी वेपर आएगा, एम सॉरी आई एम सॉरी एम सी वेपर इंटू डेल्टा टी, हाँ ओके। और वो डिपेंड करता है, आप हीटिंग कॉन्स्टेंट प्रेशर पे अगर अगर करा रहे हो तो यहाँ पर सी सी पी आएगा, और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे करा रहे हो तो सी वी आएगा, ओके। सुनाओ बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली, सेंसिबल हम हीटिंग देख ली हमने, सुपर हीटिंग देख ली, और लेटेंट हीटिंग देख ली, ठीक है। ये देखो लेटेंट हीट हमने पढ़ लिया, सेंसिबल हीट पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है कंप्रेसिबल लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड वेपर, सुपर हीटेड वेपर, सेचुरेशन टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको भी देख लेते हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बहुत ईजी है। दोबारा से हम उसी कर्व की मदद लेंगे, उसी कर्व की मदद लेते हैं। अब देखो देखो ध्यान से देखना, अब देखो क्या होगा, वही कर्व बना रहा हूँ मैं आपके सामने दोबारा से, व्हाट विल हैपन, ये अब तक तो आपको पता चल गया होगा ना ये तीनों जोन कौन से हैं, बहुत अच्छी बात है, दिस इज टी एंड दिस इज वी। सुनाओ हमें पढ़ना है कंप्रेस्ड लिक्विड, या फिर इसको सबकूल्ड लिक्विड ही बोलते हैं। देखो फिलहाल के लिए आप याद रखें, फिलहाल के लिए आप याद रखें कंप्रेस्ड लिक्विड, कंप्रेस्ड लिक्विड क्या होता है, कंप्रेस्ड लिक्विड, यहां से लेकर यहां तक लिक्विड है, यहां से लेकर यहां तक लिक्विड है हमारे पास, ये पूरा लिक्विड है। तो कंप्रेस्ड लिक्विड को फिलहाल के लिए इतना समझ लो, इसका और अच्छी तरीके से भी समझाया जाता है, इसको सबकूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, ठीक है, सबकूल्ड। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब मैं आपको पीवी कर्व बनाने सिखाऊंगा वहां पर सबकूल्ड लिक्विड समझाया जाएगा, क्योंकि अभी समझाया नहीं जा सकता इसलिए नहीं समझा रहा हूं। सो इसको कंप्रेस्ड लिक्विड बोलते हैं, कंप्रेस्ड लिक्विड फिलहाल के मैं आपको बताता हूं, जो लिक्विड बॉइल नहीं हो रहा है, जो लिक्विड बॉइल नहीं हो सकता, या बॉइलिंग जिसमें आप अगर हीट दो, जिसमें अगर आप हीट दो बॉइल नहीं हो रहा है, बॉइल नहीं हो सकता यानी उसका फेज चेंज नहीं हो सकता, उस लिक्विड को हम बोलते हैं सबकूल्ड लिक्विड या कंप्रेस्ड लिक्विड, ठीक है।
इसकी डेफिनेशन आप लोगों को मैं शेयर बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, द लिक्विड दैट इज नॉट अबाउट टू बॉयल इज नोन एज कंप्रेस्ड लिक्विड। यानी यहां से लेकर यहां तक ये सारा कंप्रेस्ड लिक्विड है, सारा कंप्रेस्ड लिक्विड है, ठीक है। इस पॉइंट से लेकर जितना भी नीचे वाला है ये कंप्रेस्ड लिक्विड है, सीएल से मैंने लिख दिया यहाँ पर, इस कंप्रेस्ड लिक्विड है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे सैचुरेटेड लिक्विड क्या होता है। नाउ सैचुरेटेड, सैचुरेटेड को मैं SAT से लिखूंगा, आप लोग समझ जाना, सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड। नाउ व्हाट इज अ सैचुरेटेड लिक्विड, मैंने आपको बताया था। अच्छा बचपन में आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट तो सबने करा होगा, क्लास में करा होगा पक्का, एक केमिस्ट्री में कराया जाता है 7th 8th क्लास में। वो तुम लोग एडवांस हो, तुमने क्या पता 6th में पढ़ लिया हो। सो एक यहाँ पर वाटर रहता था, वाटर में क्या करते थे, केमिस्ट्री वाली मैडम चीनी डालती थी और कहती थी बेटा से घोलो, तुम घोल देते थे, एक बार दिया घोल दिया, दो बार दिया घोल दिया, और कुछ जो चीते लड़के होते थे वो क्या करते थे, घोला 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 सारी घोल दी जितनी मैडम ने। उसके बाद मैम ने कहा अच्छा थोड़ी सी और दी, उसके बाद तुम्हें क्या दिखा, अब तो चीनी घुल ही नहीं रही है, चीनी घुल नहीं रही है, इसका मतलब क्या है, इस लिक्विड में अब और चीनी नहीं जा सकती, यानी जो लिक्विड है ये सैचुरेटेड हो गया, लिक्विड जो है सैचुरेटेड हो गया, इसमें और चीनी नहीं घुल सकती, ठीक है। कभी कभी तुम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, मिठाई खा लेते हैं, उसके बाद कहते हैं अबे यार अब नहीं खाना, अब तो मैं सैचुरेट हो गया, इसके अलावा अब मैं खा नहीं सकता, अगर मैंने खा लिया तो मैं कुछ और हो जाऊँगा, ठीक है। तो सैचुरेशन का मतलब क्या है कि आप जिस स्टेट में हो अब उस पर्टिकुलर स्टेट में नहीं रह सकते। पहले ये चीनी घोल ले रहा था लेकिन अब इसके अंदर चीनी घुलेगी नहीं, ये चीनी अब सॉलिड फॉर्म में ही रहेगी, ठीक है। तो आपके पास अब आपने क्या किया, जब आप हीटिंग कर रहे तो आपने देखा कि एक टाइम के बाद ये जो लिक्विड है इसको अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचने के बाद और हीट दोगे तो ये लिक्विड क्या है, लिक्विड नहीं रह पा रहा है, ये वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। यानी जो लिक्विड है वो क्या हो चुका है इस समय, अरे बोलो भाई, ये लिक्विड क्या हो चुका है, सैचुरेटेड हो गया लिक्विड, जो लिक्विड है वो सैचुरेटेड हो गया है। यानी जैसी अगर आप इसमें हीट दोगे, जैसी आप इसमें हीट दोगे ना, इट विल बॉइल, ओके। सो द लिक्विड दैट इज अबाउट टू बॉइल इज नोन एज सैचुरेटेड लिक्विड, ओके। द लिक्विड दैट इज अबाउट टू बॉइल विल सैचुरेट इज नोन एज सैचुरेटेड लिक्विड, इट कैन नॉट, इफ यू गिव इट सम हीट इट विल डेफिनेटली चेंज इट्स फेज। ये सीधा लिक्विड से वेपर बनेगा। अब आपने देख, जब इसमें हीटिंग करना शुरू किया था ना, देखो इसमें हीटिंग करना शुरू किया था तो आपने ये देखा था कि पहले थोड़ा सा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ, फिर थोड़ा और हुआ, फिर थोड़ा और हुआ, फिर सारा हो गया। तो इस वाले जोन को हम बोलते हैं इसको क्या बोला जाता है, इस जोन में आप ये समझ लो, इसको फिलहाल के लिए आप लिक्विड प्लस वेपर जोन बोल दो। आपको आप अगर यहाँ पर कहीं पर भी जाओगे तो आपको लिक्विड के साथ साथ वेपर मिलेगा, ठीक है, लिक्विड के साथ वेपर मिलेगा। फिर जैसे ही आप इस पॉइंट पर आए तो आपको क्या मिला कि अब सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो चुका है, अब अगर आप क्या करोगे, हीट दोगे तो क्या है, ये वेपर का टेम्परेचर रेज करना शुरू हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर रेज करना शुरू